नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज के इस अंक में हम लाए हैं परभणी स्थित AICRPS सेंटर वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ द्वारा हाल ही में अनुशंसित सोयाबीन की नई किस्म MAUS 725 के बारे में जानकारी। यह किस्म महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए अनुशंसित है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे इस केंद्र के प्रजनक डॉक्टर शिवाजी मेत्रे साहब। किंतु उससे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। राजभाषा हिंदी में प्रयोग हेतु संस्थान को मिला एक और पुरस्कार। देश के मध्य क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालयों की 50 से अधिक कर्मचारियों की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के दौरान राजभाषा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु संस्थान को मिला मध्य क्षेत्रीय प्रथम पुरस्कार। रायपुर छत्तीसगढ़ के शहीद स्मारक भवन में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में संस्थान के निदेशक डॉक्टर KH सिंह एवं राजभाषा प्रभारी डॉक्टर पूनम कुचलान ने प्राप्त किया यह पुरस्कार। संस्थान के पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार को PhD की उपाधि अर्जित करने पर भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। डॉक्टर संजीव कुमार को विगत सप्ताह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के 61वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी की उपस्थिति में ICAR महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक द्वारा PhD की उपाधि देकर किया गया सम्मानित। बेंगलुरु स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में सोयाबीन फसल पर किए जा रहे जनरेशन एडवांसमेंट कार्य का संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश वंगाले ने किया मूल्यांकन। कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम इंदौर द्वारा आदान विक्रेताओं के लिए चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के अंतर्गत 40 विक्रेताओं के भ्रमण का किया आयोजन। इस अवसर पर संस्थान के डॉक्टर व्यू दुपारे द्वारा किया गया समन्वयन। दी गई सोयाबीन उत्पादन तकनीकी की उपयुक्त जानकारी। शिवाजी पांडुरंग मेत्रे, सोयाबीन पैदास का अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन संशोधन प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी। 2021 अपन MAUS मराठवाडा एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी सोयाबीन असं 725 वाण विकसित केले आणि मराठवाड्यासाठी लागवडीसाठी शिफारस करण्यात आलेली आहे। ह्या वाणाचं मुख्य वैशिष्ट्य असे की हा लवकर येणारा वाण आहे, 90 ते 95 दिवसात, कीड व रोगास प्रतिकारक आहे। चार दाण्याच्या साधारणतः 20 ते 25% शेंगा आहेत आणि नंतरच्या 3 दाण्याच्या शेंगा आहेत। उत्पादन साधारणतः 25 ते 30 क्विंटल आहे प्रति हेक्टरी आणि हे कोरडवामध्ये मराठवाड्यात येणार चांगलं वाण आहे, लवकर येणार आहे। इवन काळ्या जमिनीमध्ये किंवा हलक्या जमिनीमध्ये सुद्धा चांगलं उत्पन्न देणार आहे, 90 ते 92 दिवसात निघतं आणि कीड व रोगास प्रतिकारक आहे। आणि हे आव्हान मराठवाड्यात लागवडीसाठी प्रसारित करण्यात आलेलं आहे। या वाणाचं बीज उत्पादनासाठी आम्ही जे मूळ पैदासकर बियाणं आहे ते एक महाबीजला दिलेलं आहे आणि काही शेतकरी कंपन्याला बिया यावर्षी आम्ही देत आहोत आणि याचं मोठ्या प्रमाणात आम्ही पैदासकर बियाणं पासून त्याचं फाउंडेशन सीड आणि पुढे प्रमाणित बियाणं आहे हे तयार करण्याच्या प्रक्रियेचं चालू आहे। लवकरच आपल्याला हे बियाणं मिळेल आणि नक्कीच आपल्या उत्पादनात ते भर घालेल येत्या काळामध्ये।